लेट अस सॉल्व अनदर मिसलेनियस एग्जाम्पल. सपोज मुझे x का वैल्यू दिया है स्क्वेयर रूट ऑफ 71.24 रेस टू 5 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 56 डिवाइडेड बाई 2.3 रेस टू 7 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 21 है ना. और ये जो पूरा नंबर है उसका स्क्वेयर रूट हमें निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे लॉग टेबल यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन को किस तरह से टैकल कर सकते हैं. सो देखो, एंटी लॉग ऑफ ये जो पूरा नंबर है वो आपको लिखना है एज इट इज. तो जब भी आप लॉग यूज करते हो टू नलीफाई लॉग यू हैव टू यूज एंटी लॉग एज वेल. ठीक है, तो ये आपकी सबसे पहली स्टेप होगी. लेट मी जूम दिस. ओके, तो देखो आपको क्या करना है, ये जो नंबर है उसको एज इट इज लिखना है और ये स्क्वेयर रूट है तो यहां पे होगा आपका पावर हाफ. ठीक है, तो अभी क्या करोगे, ये हाफ जो है वो आगे चला जाएगा, हाफ ऑफ लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. तो ये न्यूमरेटर है पूरा का पूरा और ये है डिनोमिनेटर, और हाफ जो है वो पूरा ब्रैकेट के बाहर वैसा ही रहेगा, है ना. सो हाफ ऑफ लॉग ऑफ 71.24 रेस टू 5 प्लस लॉग ऑफ 56 है ना, तो 56 रेस टू हाफ, ये हो गया आपका पहला न्यूमरेटर हो गया. तो ये हाफ था, तो हाफ जो है वो कॉमन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए, तो दोनों के लिए आपको देना पड़ेगा. तो हाफ माइनस डिनोमिनेटर है ना. लिखते कैसे हो आप, यहाँ पे देखो, अगर आपके पास a अपॉन b ये नंबर है और log यूज करते हो तो इट विल बी सर्टनली रिटन एज log a माइनस log b, समझ रहे हो. और ऐसा होगा a b रेस टू n, ऐसा है तो यू विल राइट n log ऑफ a माइनस log ऑफ b. तो सर्टनली ये जो n नंबर होगा स्क्वेयर रूट है ये केस में, तो ये अंदर मल्टीप्लाई भी तो होगा, है कि नहीं. तो इसलिए हाफ जो है आपका दोनों जगह पे आएगा, इधर भी आएगा और माइनस के बाद इधर भी आएगा. तो 71.25 रेस टू 5 प्लस लॉग ऑफ 56 रेस टू हाफ. सिमिलरली नीचे कैसे लिखोगे, लॉग ऑफ 2.3 रेस टू 7 और ये मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस लॉग ऑफ 21 रेस टू हाफ. तो ये माइनस साइन के अंदर का जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करो, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी करना है वो करो, है ना. तो सबसे पहला स्टेप है जो भी ब्रैकेट है उसको केयरफुली आपको हैंडल करना है. ओके, नेक्स्ट इज देखो, अभी ये जो 71.24 है यहाँ पे 21 है यहाँ पे 56 है, ये सबको आपको 10 के पावर में रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे कर सकते हैं, 71.24 कैन बी रिटन एज 7.124 रेस टू पावर 0, 10 का पावर 1, है ना. 10 के पावर में लिखना है तो 10 का पावर 1 आएगा यहाँ पे. ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी लॉग निकालेंगे तो ये जो 10 का पावर होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू देता है, तो इसके लिए कर रहे हैं, है ना. तो देखो ये 5 जो है वो इधर चला जाएगा आगे, तो ये होगा आपका 5/2 log of 7.124 into 10 raised to 1. और ये हाफ से आप अंदर भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना. सो हाफ ऑफ log of 56 raised to half, तो ये हाफ आगे चला जाएगा, तो 1/2 into 1/2 that will be 1/4 log of 5.6 into 10 raised to 1, तो 56 है तो 5.6 into 10 raised to minus 1, उसके बाद ये माइनस. तो ये था आपका पूरा का पूरा पहला वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट रखते हैं इसको. उसके बाद माइनस सेकेंड वाला, देखो सेकेंड वाला है ना, सेकेंड वाला. तो ये देखो ये पावर 7 है, तो 7 लॉग ऑफ 2.3, और ये 2.3 को कैसे लिख सकते हो, 2.3 इंटू 10 रेस टू पावर 0, और ये जो 7 है ये आगे चला जाएगा, दैट इज अ 7/2, है ना. तो 7/2 लॉग ऑफ 2.3 इंटू 10 रेस टू पावर 0, और ये हाफ आगे चला जाएगा और ये 1/2 बाहर से आ रहा है, सो 1/2 दैट इज 1/4 लॉग ऑफ 2.1 इंटू 10 रेस टू पावर 1. इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को पहले रिप्रेजेंट करना है. अभी 1/1 लॉग कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, देखो पे अटेंशन, 5/2 है यहाँ पे, कोई भी चेंज नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा. आपको लॉग में 71 के आगे 24 को ढूंढना है ना. और ये 10 रेस टू पावर 1 जो है ना, वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जो डॉट है उसके पहले का नंबर देगा, दैट इज 1.4 डिजिट आएंगे. और ये जो 4 डिजिट है वो आपको कहाँ से मिलने वाले हैं, 71 के आगे 24 देखोगे आप लॉग टेबल में. सिमिलरली ये 1/4 वैसा ही रहेगा, लॉग ऑफ 5.6 इंटू 10 रेस टू 1, तो ये 10 का पावर 1 है, तो ये 1. समथिंग, तो 56 के आगे आपको जीरो ढूंढना है. ठीक है, 5600 है ना, 5.600, तो 56 के आगे 00 ढूंढना है. सिमिलरली यहाँ पे देखो लॉग ऑफ 2.3 10 रेस टू पावर 0, तो ये 0. something है, तो 0. something ये आगे के जो 4 डिजिट्स है आपको कैसे मिलेंगे, 23 के आगे 00 ढूंढो. प्लस 1/4 ये ऐसे ही रहेगा, इंटू 2.1 इंटू 10 रेस टू 1 है ना, तो 2.1 10 रेस टू 1, तो ये 1. और 21 के आगे आपको फिर 00 ढूंढना है. तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है. तो 1/1 देखते हैं, 71 के आगे 24, तो 71 के आगे 24 देखते हैं, 71 के आगे 24, 71 के आगे 24 लॉग में ही ढूंढना है.
तो 71 के आगे 24, देखो ये 2, 71 के आगे ये 2 और उसके बाद यहाँ पे 4, तो 8527, ठीक है 8527, देखो ये मीन डिफरेंस कॉलम सही से देखना है, तो लिख दिया यहाँ पे 8527। सिमिलरली 56 के आगे देखना है आपको 0, 56 के आगे 0 देखो, 56 के आगे 0, 56 के आगे 0, इसको थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है 56 के आगे 0, दैट इज अ 7482, लिख दिया यहाँ पे 7482, ये सेकंड वैल्यू। सिमिलरली मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है 1023, तो 23 के आगे 0 ढूंढो, 23 के आगे 0, देखो ये 23 के आगे 0, 3617, तो लिख दो यहाँ पे 3617, और ये डॉट के पहले का 0 किधर से है, 10 के पावर से, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप या देखो ये क्वेश्चन, आपको ये बहुत आसान लगेगा थोड़े टाइम के बाद, और उसके बाद ये 10 का पावर 1 है, तो 1.21 के आगे 0 ढूंढो, 21 के आगे 0, 21 के आगे 0, तो 21 के आगे 0 दैट इज 0.3222, ठीक है, तो ये लिख दो यहाँ पे, ठीक है ओके, तो ये लिख दिया आपने। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज अ क्रूशियल, ये जो 5 है एंड 1.8527 है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैन्युअली मल्टीप्लाई करना है, अगेन इसके लिए आप लॉग टेबल यूज मत करो, है ना, तो ये करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आपका जो है वो ऑलरेडी इतना डिफिकल्ट उन्होंने पूछा है, और उसके बाद फिर लॉग टेबल के अंदर अभी कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे लॉग टेबल वापस यूज करो क्या, नहीं करना है ना, डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 5 × 1.8527, सो देखो 5 × 7 = 35, है ना, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 9.2635/2। नेक्स्ट है ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो 1.7482/4, 0.3617 × 7 करोगे तो 2.5319/2, देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को छोड़ा नहीं है, वैसा ही रखा है, क्योंकि ब्रैकेट अभी अननेसेसरी निकालोगे तो ये माइनस और अंदर का जो प्लस है वो साइन आपके रिस्पेक्टिव चेंज करने पड़ेंगे, तो अभी मत करो, ये ब्रैकेट को वैसा ही रखो, तो जो प्लस सिंबल है वैसा ही प्लस रखा मैंने, यहाँ पे भी देखो ऊपर प्लस ही है मेरा, है ना, और ये आपका एक ब्रैकेट शायद हो सकता था अगर आपको यूज करना है तो। सो 1.7 देखो ये नेक्स्ट है आपका 1.322/4, अभी ये नॉर्मल आपको डिवीजन करना है, सो 9.2635 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आएगा, 4 point something आएगा, है ना, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखा है, वहां पे जितने भी नंबर से उनको सॉल्व करके रखा है, देखो सो फर्स्ट नंबर आया 4.6317, दूसरा नंबर है 0.4370 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो कैलकुलेशन है वो वैसा ही रखा है, सो 1.2659 + 0.3305। अभी ये जो नंबर है इसको आप सबसे पहले ऐड करोगे, है ना, ये जो नंबर है इसको आप सबसे पहले ऐड करो, सो 9514, है ना, 5 + 16 = 6 + 3 = 9 + 2 = 3 = 5 and 1.5964, अभी जाके आपका जो ब्रैकेट है उसके अंदर के टर्म्स है वो खत्म हो गए, अभी आपको ये जो दो नंबर से उनको ऐड करना है, ऐड करो 5.0687 आता है -1.5964, अभी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन कैसा करना है, जो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हो आप वैसा ही, जो रेगुलर लाइफ में आप सब्ट्रैक्शन करते हो, 5.0687 - 1.5964, है ना, इस तरह से 7 में से 4 गया 3 बचेगा, 8 में से 6 गया 2, 16 में से 9 गए 7, है ना, यहाँ पे 9 में से 5 गए 4, बराबर, और ये 5 में से यहाँ से एक कैरी ऊपर जाएगा, तो 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, तो जो नॉर्मल आप करते हो वही करना है, तो यहाँ पे देखो ये जो 3 है ये मुझे 10 की पावर देगा 3, और ये 47 के आगे मुझे 23 ढूंढना है एंटीलॉग में, तो 47 के आगे 23 ढूंढते हैं एंटीलॉग में, 47 के आगे 23 एंटीलॉग में ही ढूंढना है, 47 के आगे 23, सो 47 के आगे ये हो ये 2 मेरा 2985 एंड 3 है मेरा 2, है ना, सो 2960 बेटा 47 के आगे 23, 47 के आगे 23, 47 के आगे ये 2, है ना, और उसके बाद है यहाँ पे मेरे पास 2, 3 के यहाँ पे 2, ठीक है, तो ये आपने ऐड किया 2965 एंड 2 को, सो 2967,
और टू के बाद इमीडिएटली आपको डॉट देना है, क्योंकि थ्री को पावर को आपने ऑलरेडी अरेंज किया था. सो 2.967 इंटू 10 रेस टू पावर थ्री, उसको कैसे लिख सकते हो 2967. तो ये हो गई आपकी एक्स की वैल्यू. देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था ये, है ना. तो मिसलेनियस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. आई होप ये जो क्वेश्चन हम लोग ने अभी देखा ये आपको बहुत अच्छे से समझा.